Hi Karan, welcome to Delhi Tadka. Hi, thanks a lot. तो जॉनी एक बार फिर से जीनिया झुंझुनू में आ गए हैं, तो क्या प्लान है इस बार? प्लान तो है, हमेशा एक ही प्लान होता है, बहुत मस्ती करना, सबको तंग करना, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करना एंड यस सुमन जी के पीछे दौड़ना, उन्हें खुश करना, उन्हें एंटाइस करना. यस yes. तो इस बार भी कुछ वैसा ही है. वहाँ पे आपके पीछे ही सुमन जी की तस्वीर है शायद. सुमन जी, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उनकी तस्वीरें होती है, जैसे ऑफिस में भी सुमन जी. अच्छा करण, जॉनी के कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगा? इट्स दैट आई गेट टू डू मैनी थिंग्स. मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है, नॉट जस्ट मस्ती मजा. मतलब मैं थोड़ा बहुत ड्रामा भी कर लेता हूँ उसमें. कभी मैं जॉनी का पापा बन के आता हूँ, कभी खुद जॉनी की मम्मी बन जाता हूँ. तो इट्स लाइक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, जैसे यू नो अरे अली मम्मी बन जाते, दादी बन जाते, तो इधर मैं मम्मी बन के आ गया था. तो यू नो यू गेट एज एन एक्टर आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू मैनी डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स बाई जस्ट डूइंग वन रोल लाइक ऑफ जॉनी. बस वो अच्छा लगता है एज एन एक्टर. एवरी एक्टर इज सेल्फिश अबाउट हिज रोल्स, तो वो मेरे साथ भी वही लागू होता है. बस सुना है कि रुबीना ने एंट्री की है, नई जीनी बन के आई है, तो उनके साथ काम किया आपने? We've done two scenes as of now. हमने सिर्फ दो सीन किए. तो ये नई जीनी को मिलके कैसे लगा? बहुत अच्छा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मैं इतना खुश था. आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है, लेकिन या मैं बहुत खुश था. और बहुत खुश भी नहीं, क्योंकि पिछले टाइम जब मैं आया था तो जिया थी, उसके बाद में फिर से आया मार्च में तो भी जिया थी. तो इस बार मैं आया तो जिया थी लेकिन वो चले गई. तो ऑब्वियसली मन में ऐसा लगता है कि अरे क्यों जा रही है जिया थी के? लेकिन आई नो सबके अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं, सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं. सो और बस एक्टर की लाइफ होती है ऐसी, आज हम है कल कोई और है, परसों कोई और, शो मस्ट गो ऑन. तो आई एम हैप्पी आई नो हर, तो एक ऑलरेडी केमिस्ट्री है. ऐसा नहीं कि ओ यू नो हू विल ब्रेक द आइस, नर्वस हो रहे हैं बात करने में, वो मैं यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट्स गुड, या वी आर गुड फ्रेंड्स एंड लेट्स सी. अभी तो और सारे सीन करने हैं, बहुत मस्ती मजाक करना है, बहुत लोगों को हंसाना है, देखते जाइए क्या होता है. कनक, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होता तो मैं क्या होता, सोचा नहीं. मुझे लगता कि मैं एक्टर ही होता, सोचा नहीं है ना, सोच पा रहा हूँ. And what apart from this comedy genre, what type of role would you like to do? See, I started my career here with comedy, जुगनी चली चलाने, सब ठीक. And उसमें भी ऐसे था, I did action, I did drama, रोता था, एक्शन था, सब कुछ था. उसके बाद में धीरे धीरे डिफरेंट रोल्स, फिल्म स्मार्ट आदि, रंगवती होने, स्टावन एंड एन के, यू नो या क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स. तो ये किया, उसके बाद में साथ साथ एनके के साथ साथ एज यू गाइस नो छल में मैंने एक नेगेटिव रोल किया. तो लाइक द नेगेटिव, तो दिन में मैं एनके कॉमेडी करता हूँ, बाकी मैं लाइक चाकू लेके भाग रहा है, 1 करोड़ देता हूँ मार दूँ. तो या आई लाइक टू डू मैनी मैनी डिफरेंट रोल्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रोड्यूसर ही या जब कोई एक्टर ही या जब कोई फैन ही मुझे कह दे कि I'm a versatile actor. किसी को नहीं, किसको नहीं अच्छा लगता. Obviously, you know, it's like, oh, it's paying off. किसी को पसंद आ रहा है, you're watching me and you're liking it. तो अच्छा लगता है. लेकिन या अब यू नो यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे आने से पहले मैंने सोचा था कि अब मैं भी कुछ यू नो थोड़ा लेट्स ट्राई समथिंग लाइक सम रोमांटिक कॉमेडी और लाइक थोड़ा फिक्शन या थोड़ा सीरियस ड्रामा और समथिंग रोमांस समथिंग लाइक दैट. लेकिन आई थिंक उत्तर प्रदेश जी को कुछ और ही मंजूर है. आई डोंट नो अब कब होता है, देखते जाइए. अभी जाते जाते जॉनी के फैंस के लिए मैसेज और क्या प्लानिंग है आगे, जॉनी क्या करने वाले हैं? जॉनी तो वही करेगा जो हमेशा करता है, यू नो ही डज स्टूपिड डांस वांस करता रहेगा. रिंकू जी का जो सलमान खान का फैन है, तो हर सलमान खान के यू नो आइटम नंबर बोलना, सलमान सॉरी आइटम नंबर तो नहीं करेगा,
लेकिन यस सलमान के जो भी हिट सॉन्ग्स है उस पर डांस करूँगा और यू नो आई विल डिस्टर्ब यू नो आई विल अनॉय द हेल आउट ऑफ विकी अली एंड सबको बहुत परेशान करूँगा. चतुर जी के साथ अभी मैंने सीन किया उनको तो बहुत परेशान कर दिया एंड मैजिक ही मैजिक मस्ती ही मस्ती. और सुमन जी के पीछे तो मैं लगता हूँ इनफैक्ट ये कैबिन भी उनकी है बता दो आपको यहाँ पे बैठती है वो मतलब इसीलिए हम तो यहाँ पे लेके आया था लेकिन इट्स ओके कंट्रोल में करता हूँ थोड़ा. बट यस थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग जॉनी मतलब मैं क्या बोला आई मीन हमेशा ये इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जो आप उनसे पूछते हो कि फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे जाते जाते. जा तो मैं कहीं नहीं रहा हूँ आई एम हियर एंड पता नहीं I mean loss of words hamesha I guess they know it very well on Twitter on Facebook you guys are very smart aur dekhte hi ho tum log to yeah bas you know just keep loving me like this and I love you a lot yeah, I'll be right here entertaining you guys okay thank you so much.